गुड मॉर्निंग टू यू ऑल लवली पीपल ऑफ द इंटरनेट, कैसे हैं आप सब लोग। सो बिफोर आई स्टार्ट एनी फादर आई हैव अ क्विक मैसेज फॉर यू। जैसे कि आपको पता है, कोरोना महामारी जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है एंड स्कूल कॉलेजेस ऑफिस सारे खोल दिया गया है। सो मेक श्योर यू वेयर द फेस मास्क एंड यूज़ सैनिटाइजर, बिकॉज ये जो बीमारी है इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए वी हैव टू फाइट टुगेदर। सो मेक श्योर यू डू दैट। सो जैसे कि आपको पता है, दुर्गा पूजा जस्ट एंडेड एंड उसी के लिए मैं भी आया था घर पे करीमगंज में। एंड आज जो है मैं करीमगंज का एक प्राइम लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ सोनबिल एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द एंटायर इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द एंटायर एशिया। सो ये हमारे लिए एक प्राउड प्लेस है। और अगर आप बराक वैली या फिर करीमगंज विजिट करने का सोच रहे हैं, देन दिस इज़ द वन ऑफ द प्लेस यू मस्ट विजिट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फादर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाय द वे, आज जो है मैं अकेला नहीं जाने वाला हूँ, मेरे साथ जाने वाले हैं बराक बाइकर्स के तीन राइडर्स, इंक्लूडिंग मी इज फोर। सो मैं क्विक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हियर वी हैव मुराद एंड ही इज राइडिंग हिज रॉयल एनफील्ड एंड वी हैव फैजल हियर, हेलो गाइस, जिससे आप मिल चुके हैं ऑन द डिलीवरी ऑफ माय पेराग एंड वी हैव सलमान। मुंह दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड रिसेंटली ही रिकॉर्डेड वन ऑफ हिज कवर सॉन्ग जो कि कुछ दिनों में आने वाला है, राइट? एंड होपफुली इसका गाने का एक इम्प्रोवाइज वर्शन मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब एंड शो अस सम लव, क्योंकि हम ऐसे ही एडवेंचरस वीडियोज़ एंड क्रिएटिव वीडियोज़ बनाते रहते हैं। सो चलो, लेट्स गो। ऑल राइट, सो सोनबिल जो है वो करीमगंज टाउन से करीबन 30-35 किलोमीटर के दूरी पे है, डिपेंडिंग अपॉन व्हिच रूट यू टेक। वैसे सोनबिल जाने के लिए दो तीन रूट है, लेकिन आज जो है हम जा रहे हैं बाया मकोई भांगा, क्योंकि वही अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है रोड। एंड दिस इज़ द करीमगंज टाउन एंड करीमगंज टाउन से सोनबिल जाने के लिए आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा डायरेक्ट, एंड द ओनली वे टू विजिट इज़ बाय अ प्राइवेट कार और अ बाइक और अ रेंटेड कार। एंड आई होप फ्यूचर में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट का कोई जुगाड़ हो जाए। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इफ़ दे कैन अरेंज ए बस शटल और समथिंग लाइक दैट फॉर टूरिस्ट कमिंग टू सोनबिल, एंड आई थिंक दिस विल रियली हेल्प सोनबिल इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। ऑल राइट, सो बीच में थोड़ा सा एक इशू हो गया था, हमारे जो सलमान भाई है जो सिंगर है उनका जो बाइक था 220, उसमें थोड़ा बेयरिंग का इशू आ गया था एंड आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है कि उसको ठीक करा पाए। सो हम लोग ने वो बाइक उधर ही छोड़ दिया इन द सेंस, हमारे जान पहचान के एक घर था वहाँ पे रख दिया एंड फिर हम निकल गए दूसरे बाइक से। एंड देट इज़ द बदरपुर, यू कैन से बराक वैली इंजीनियरिंग कॉलेज एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड कमरांगी। तो फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए हैं सोनबिल, और आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं, दिस इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द एंटायर एशिया। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आया था ये बन रहा था एंड आई क्रॉस्ड बाय दैट वे, लेकिन थैंकफुली अब ये बन गया है सो कोई दिक्कत नहीं है। माई गुडनेस, look at this countryside view, boats, a perfect candid photo.
ऑल राइट, सो दिस इज द शॉनविल और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बोट्स रखे हुए हैं फॉर द राइड और यहाँ पे ऊपर एक पार्क जैसा बना हुआ है, वहाँ पे हम जा सकते हैं बट दिस प्लेस इज़ वेरी टेम्पटिंग, भूतिया जगह जैसा लग रहा है पूरा बट वेरी नाइस। एंड बोटिंग जो है यहाँ का जो मेन लाइवलीहुड है फिशिंग एंड बोटिंग। सो चले अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड देन विल गो फॉर ए बोट राइड एंड वो भी आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो अपस्टेयर्स टू द मेन व्यू पॉइंट ऑफ शॉनविल। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस प्लेस, हाउ बिग इट इज एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रिवर साइड पे खड़ा हुआ हूँ। ब्यूटिफुल द व्यूज यू सी फ्रॉम हियर इज मेसमराइजिंग। एंड ये लेक का जो टोटल लेंथ है इट्स अराउंड 9 किलोमीटर्स एंड इसका कोई डॉक्यूमेंटेड टोटल एरिया तो नहीं मिला बट हाउएवर आई थिंक इट शुड बी अराउंड 17 to 18 square kilometers ऑफ एरिया एंड आई कान वेट टू गो फॉर अ राइड इन दिस ब्यूटिफुल लोकेशन ऑफ करीमगंज। और यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है ऑसम। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरली बहुत सारे बोट रुके हुए हैं एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम। गाइस राइट। सो अभी हम लोग वापस आ गए फ्रॉम द बोट राइड एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस विद इन द बराक वैली। एंड जैसे कि आपने देखा इस एरिया को, आई थिंक गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए इस जगह को और डेवलप करने के लिए सोचना चाहिए। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, रिजॉर्ट वगैरह काफ़ी कुछ कर सकते हो, क्या सोचते हो? श्योर श्योर श्योर। सो गाइस मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आप लोग आइए इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, आप लोग तो बहुत जगह घूम रहे होंगे
जिस जगह का नाम है सोनबिल, जैसे गोमेट चैनल के शानवास ने बोला है, तो आप लोग भी आके जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बोट राइडिंग भी ले सकते हैं। काफ़ी बहुत सारा डिस्टेंस है, बहुत दूर तक जा सकते हैं, वहाँ पे आप लोग कुछ रेस्ट भी कर सकते हैं, खाना वाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो आई श्योर गाइस, आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली। एंड मैं और एक चीज़ बोल देता हूँ, हमारा जो बोट राइड था उसने ही चार्ज आर्स एक्चुअली 600 रुपीज़, एंड कभी कभी आपको कम भी मिल जाएगा, कभी ज़्यादा भी मिल जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन कितना टूरिस्ट यहाँ पे है, कितना बिजी है ये जगह, इस हिसाब से थोड़ा अप डाउन होता रहता है। मतलब एवरेज जो है बोट का, जो एक घंटे का चार्ज अराउंड 500 to 600-700 इतना ही लेता है। सो आई मस्ट से दैट आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम सोनबिल, एंड आई होप ऐसे बराकबिली का और जगह भी आपको दिखाए इन फ्यूचर। सो लेट्स गो मैट एंड एक्सप्लोर।